very dear, and the man who makes all of us, as you can see, gorgeous even more. The man who has taken care of not just the outer beauty, but also made sure that we feel beautiful and gorgeous from inside. Every queen over here has been makeovered by our very own makeover partners, Chirag Bambo. We are conducting Mrs. India INC 2022, and as we all know, the winner will have an opportunity to go and represent India at Mrs. World. It was 20 years back in 2001 when India won the Mrs. World title, and we have the winner right here standing with us. And it's been 20 years since we are waiting for another title. Hopefully we'll have the winner tonight who will win the title and get the glory back to the nation. So yes, here she is, and we are in a hunt for our next Mrs. India. Aditi, over to you. Thank you so much, Mohini. So a very warm welcome to all you people. I hope you enjoy the show. The contestants are fantastic, and the reason why I joined hands with Mohini is for the very same reason, that it's 21 years, it's high time we bring the crown back. Because you know what, this responsibility now I am done with. That's why I'm here. I'm going to help the winner. I'm going to train her, mentor her, so that she can bring this crown. What is that one thing you're looking forward to in judging, when you're going to be judging our queens tonight? I think all these ladies have come with so much enthusiasm and confidence, and I think Mohini's done a phenomenal job by you know, giving a platform to so many women who have so many aspirations. You know, they want to come out there and shine like the stars they are. So I think that's something amazing that you've done, Mohini. How are you? So, what is the initiative for the Mrs. and the important cause for the Jodha Vyayas? What do you want? All the things in Hindi? यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज. मुझे लगता है कि मोहिनी जी ने और उनके जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने एक मंच दिया है इतनी सारी औरतों के लिए, अपनी जो उनका एक बचपन का सपना है उसे पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए, अपनी भीतर के जो टैलेंट्स हैं उस टैलेंट को एक मंच दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर वो चमक सकती हैं, जहाँ पर वो सितारे बन सकते हैं. एंड आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग. लेकिन मेरे दिल को सबसे ज़्यादा जो अजीज़ बात है, जो छूती है, वो ये है कि मोहिनी जी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारी संस्था जो है कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन, जो पिछले 20 साल से हमने कई हज़ारों लाखों बच्चों की मदद की है, जो कैंसर पीड़ित बच्चे हैं और बहुत मध्यम वर्गीय से भी नीचे तबके के हैं, जो गरीब किसान के बच्चे हैं, उनकी हमने मदद की है. और इस मदद में, इस मुहिम में मोहिनी जी और आज की सारी जो ब्यूटी क्वींस हैं, जो सारी कंपेटिटर्स हैं, अभी से नहीं बल्कि पिछले 4 साल से हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं. और मुझे बहुत खुशी होती है ये कहने के लिए कि पिछले 4 साल में आपके माध्यम से, आपके सारी कंपेटिटर्स के माध्यम से, हमने कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के लिए 3 करोड़ रुपये रेज किए हैं. और इस पैसे से 350 से ज़्यादा नन्ही जाने जिनको कैंसर है, गरीब घर के किसानों के बच्चे, उनकी मदद हुई है, उनकी जानें बचाई गई है. सो थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया. शादी के बाद लड़की का करियर खत्म हो जाता है, मैं जो है आप शो को जज करें, जहाँ पे जो घर की जोड़ी है वो यहाँ पे आने वाली, कितने एक्साइटेड हैं? नहीं अदी, देखिए मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ. मैं बहुत दिन के बात करूँ, इससे पहले मैं मिस इंडिया का मैं 2000 में किया था, बट मुझे एक सुनहरा मौका है कि मिसेज इंडिया को जज करने का. तो मैं समझता हूँ कि किसी का करियर कभी भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये तो पब्लिक का परसेप्शन होता. हम लोग ये सोचते हैं कि बस चलो शादी हो गई तो करियर ख़त्म हो गया, उसका मतलब है अगर क्रिकेट प्लेयर की शादी हो गई तो खेलना नहीं चाहिए. तो उसे सेम थी. नो, आई थिंक मैसेज यही दूंगा कि मैं लाइक आई नो मैन, मैं समझता हूँ कि लोग अच्छे वेल प्रिपेयर्ड होंगे, और जो भी मैन अच्छा क्वेश्चन आंसर करेगा, आई थिंक दोनों भी ब्यूटी एंड ब्रेन मोर इम्पोर्टेंट है. इट्स बीन लवली, यू नो, बिकॉज अगेन एज समवन हू यू नो आई कॉन्स्टेंटली ड्रीम एंड माय ड्रीम्स इवॉल्व विद एवरी ईयर. So just a platform like Mrs. India that supports the dreams of married women and helps them to achieve, you know, whatever it is, because they get a platform.
that for whether or not they go on to become Mrs. India, they achieve a certain amount of celebrity in their own right and a platform for them to speak for things that matter to them. And for that reason, I think it's a wonderful competition to be associated with. And it's my third year as a judge. Also, it was very exciting in the past year as well. It was lovely, but whether it was Rush. So I'm excited to see who's going to wear the crown this year. Absolutely, and we are too. Any questions for the group? I think judge karne ke liye main bahut excited hu. Ye mera teesra saal hai as a judge in Mrs. India. और बहुत लोगों को लगता है कि शादी करने के बाद शायद आपके सारे जो सपने हैं वो पूरे हो जाते हैं और फिर आप अपने हस्बैंड, अपने फैमिली, अपने बच्चों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने बारे में स्पेशली वुमेन कम सोचना लगते हैं. सो आई माई सेल्फ हैव बीन गिल्टी ऑफ दैट. तो इसीलिए एक यहाँ पे कॉम्पिटिशन मिसेस इंडिया जो मैरिड वुमेन की ड्रीम सपोर्ट करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए. आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट. इन टर्म्स ऑफ कौन होगा मिसेज इंडिया, आई एम एक्साइटेड टू मीट द कंटेस्टेंट्स एंड आई नो दैट द वुमेन विल बी इट विल बी चैलेंजिंग बिकॉज ऑलवेज द वुमेन आर इट्स ऑलवेज वेरी वेरी डिफिकल्ट. आई एम वेरी ग्लैड कि मैं अकेले जज नहीं हूँ, और भी जजेस होंगे और हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबके बीच में बांटना होगा. आई थिंक कि एक क्वालिटी जिसका हम उसे नाम नहीं दे सकते हैं, इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है, खूबसूरत होना ज़रूरी है, और खूबसूरत का मतलब है कि अट्रैक्टिव क्वालिटी, जहाँ पे आप उस शख्स को देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं. आई थिंक दैट काइंड ऑफ क्वालिटी हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं. और एक एक चाह कुछ एक जिद, वो अपने लाइफ के साथ कुछ करना चाहती है, अपने आप को साबित करना चाहती है, वो एक उनमें दिखना चाहिए. It has been a routine now. It has been a routine now, and I think show feels like incomplete if Soha is not there. And as I mentioned, कुछ देर पहले ही मैंने कहा था कि ऐसी महिलाएं होती हैं जो ऐसा कुछ हासिल कर लेती हैं जिससे आने वाली औरतों को, आने वाली यंग जनरेशन को इंस्पिरेशन मिलता है. एंड आई थिंक सोहा इज वन ऑफ दैट इंस्पिरेशन, वन ऑफ द पर्सनैलिटी जिनको देख के हम सीखते हैं. आई थिंक ऑफकोर्स हम सब जानते हैं कि अपने आप को फिट करना बहुत ज़रूरी है, मेंटली फिट, इमोशनली फिट, फिजिकली फिट. उससे मुझे तो खुशी भी मिलती है. सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. थैंक यू.